देखिए भैया, आपने ऑनर प्ले निकाल के हमारे MI2 की मार्केट को ख़त्म कर दिया। फिर हम ऐसे चुपचाप कैसे बैठते भैया? फिर हमने क्या काम किया? आपके ऑनर प्ले की मार्केट हमने बिगाड़ दी भैया। हमने निकाल दिया यहाँ पे ओप्पो को फ़ोन F1, जिससे आपके वो छुड़ गए भैया। दोस्तों, जब तक Xiaomi पोको फोन F1 लॉन्च नहीं हुआ था 21,000 रुपये की कीमत में, तब तक मार्केट में Huawei Honor Play के बहुत जलवे चल रहे थे। एक ऐसा स्मार्टफोन, किलर स्मार्टफोन हमें मिल रहा था Kirin 970 प्रोसेसर के साथ मात्र 20,000 रुपये में। लेकिन अब यहाँ पे पोको फोन F1 एक तगड़ा कंपटीशन दे रहा है इसी स्मार्टफोन को। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर से देखिए। हम आपको बताएंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आपके लिए लेना कौन सा बेहतर ऑप्शन है। आप देख रहे हैं TechTubers, मैं हूँ शाहजेब अशरफ। आइए आगाज करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए TechTubers यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्वालिटी वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। पोको F1 का बैक पैनल प्लास्टिक, हाई क्वालिटी प्लास्टिक का बना हुआ है। कंपनी का ऐसा कहना है कि ये ग्लास पैनल से भी ज़्यादा इसकी कॉस्ट आई है इसको बनाने में, तो ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है। बैक पैनल पे दो डुअल कैमरा सेटअप और फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। वहीं फ्रंट पैनल की बात करें, यहाँ पे आपको नॉच भी मिलता है। 6.18 इंचेस की फुल HD की स्क्रीन दी गई है। यहाँ पे IR सेंसर दिया गया है, फेस डिटेक्शन का सेंसर दिया गया है, जो इसकी खास बात है। वहीं हम बात करें Honor Play की, इसका बैक पैनल ग्लास का बना हुआ है। यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप और फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। फ्रंट पैनल पे इसके आपको IR सेंसर नहीं मिलता है, नॉर्मल नॉच दी गई है। और इसका डिस्प्ले जो है वो 6.3 इंचेस का है, फुल HD, मतलब फुल HD डिस्प्ले आपको इसमें भी दिया गया है। रैम और मेमोरी, पोको F1 में आपको दिया गया है 3 वेरियंट। 6GB 64GB वाला वेरियंट 21,000 रुपये का है, 6GB और 128GB वाला वेरिएंट 24,000 रुपये में अवेलेबल है, और इसका हाई एंड वेरिएंट 8GB और 256GB वाला वेरिएंट जो है वो 29,000 रुपये में अवेलेबल है। वहीं Honor Play की बात करें, ये अभी सिंगल वेरिएंट अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। इसकी कीमत है 20,000 रुपये, जो आपको 4GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज देता है। दोनों ही स्मार्टफोन में हाइब्रिड सिम ट्रे दी गई है, और यहाँ पे आप दोनों स्मार्टफोन में 256GB तक एक्सपेंडेबल यहाँ पे आप अपनी मेमोरी को कर सकते हैं। यहाँ पे सीधे सीधे अगर बात करी जाए, 21,000 रुपये में आपको 6GB और 64GB वाला वेरिएंट पोको F1 दे रहा है। वहीं पे Honor Play आपको 20,000 रुपये में 4GB और 64GB वाला वेरिएंट दे रहा है। तो यहाँ पे सीधे सीधे पोको F1 आगे निकल जाता है Honor Play से एज कम्पेयर टू प्राइस एंड मेमोरी। कैमरा परफॉर्मेंस, पोको F1 रियर पैनल पे दिया गया है 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के दो डुअल कैमरास। वहीं फ्रंट पैनल पे दिया गया है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। वहीं Honor Play की बात करें, रियर पैनल पे दिया गया है 16 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के दो कैमरा सेटअप। वहीं फ्रंट पैनल पे दिया गया है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो जहां तक कैमरा सेटअप की बात है, यहां पे Honor Play में ज़्यादा अच्छा कैमरा सेटअप दिया गया है, जैसे आप रियल पैनल पे भी देख रहे हैं। यहां पे आपको 16 और 2 मेगापिक्सल के दो रियल कैमराज हैं। वहीं पे पोको F1 में आपको यहां पे 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप दिया गया है। तो अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो कैमरा सेटअप यहां पे Honor Play का ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पोको F1, और हो भी सकता है कि पोको F1 में आपको अपडेट के साथ उसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो भी अच्छी मिल सके। लेकिन एज़ कम्पेयर टू पोको F1, यहाँ पे सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट और कैमरा सेटअप की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। मेन मुद्दा जो बनता है वो है परफॉर्मेंस का, कि दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस कैसी है। पोको F1 की बात करें तो Xiaomi ने यहाँ पे बहुत बड़ा गेम खेल दिया है बहुत अच्छे प्राइस में। 21,000 रुपये में Xiaomi ने Qualcomm Snapdragon 845 का प्रोसेसर दिया है, जो अब तक का किलर प्रोसेसर है, जो कि हाई एंड मोबाइल्स में यूज़ किया जाता है, हाई एंड स्मार्टफोन में यूज़ किया जाता है। जो आपको 40,000-50,000 के स्मार्टफोन दिखते हैं बड़ी बड़ी ब्रांड्स के, जैसे आप OnePlus ले सकते हैं, वहाँ पे भी 845 का प्रोसेसर है, लेकिन आप उसका प्राइस देखिए 35,000 से भी ज़्यादा है। वहीं Xiaomi ने लॉन्च कर दिया 845 का प्रोसेसर 21,000 रुपये की कीमत से। वहीं Honor Play की बात करें, Honor Play में उनका अपना Honor का प्रोसेसर है Kirin 970, जो उनके लिए हाई एंड हो सकता है, लेकिन Qualcomm Snapdragon 845 को टक्कर वो नहीं दे सकता है। साथ ही हम आपको बता दें कि पोको F1 में Xiaomi ने लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, जो उसके प्रोसेसर को ठंडा रखती है। अगर आप बहुत देर तक गेमिंग करते हैं
लगभग ज़्यादा गेमिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर ठंडा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कूलिंग यहाँ पे यूज़ की गई, लिक्विड कूलिंग यूज़ की गई है। पोको फोन F1 में 4000 mAh की बैटरी दी गई है जो उसको काफ़ी लंबा बैकअप देती है। यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। वहीं ऑनर प्ले की बात करें, यहाँ पे 3750 mAh की बैटरी है, यहाँ पे भी आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। बैकअप की बात करें, बैटरी बैकअप की बात करें, तो यहाँ पे पोको F1 फिर से आगे निकल जाता है ऑनर प्ले से। अब आते हैं फीचर्स के टॉपिक पर। दोनों स्मार्टफोन में लगभग सारे सेंसर्स दिए गए हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर, जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर जैसे सारे सेंसर का सपोर्ट। यहाँ पे कुछ सेंसर्स ऐसे हैं जो पोको F1 को ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था परफॉर्मेंस के सेक्शन में कि यहाँ पे आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी दी गई है जो प्रोसेसर को ठंडा रखती है। यहीं पे आपको इंफ्रारेड का सेंसर दिया गया है, फेस डिटेक्शन का सेंसर जो आपको फ्रंट पैनल पे दिया गया है जो आपके अनलॉकिंग को ज़्यादा फास्ट बनाता है एज़ कम्पेयर टू ऑनर प्ले। यहाँ पे आपको IR का सेंसर नहीं दिया गया, यहाँ पे आपको सिंगल फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है जिससे आप अनलॉक कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को। यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन की बात करें, दोनों स्मार्टफोन में ओरियो 8.1 ही दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने कोशिश करी है दोनों स्मार्टफोन के डिटेल कंपैरिजन आपको बताने की। हम अपने ओपिनियन की बात करें दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा बेहतर है, तो एज़ कम्पेयर टू प्राइस और रैम और स्पेसिफिकेशन और फीचर्स, पोको F1 1000 रुपये ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू ऑनर प्ले। इसमें फ़ीचर्स भी ज़्यादा हैं, रैम भी ज़्यादा दी गई है, प्रोसेसर्स हैं, बहुत सारे फ़ीचर्स हमने आपको वीडियो में बताए हैं। हमारा अपना ओपिनियन है कि पोको F1 ज़्यादा बेटर ऑप्शन है 21000 रुपये की कीमत में। अगर आप हमारी राय से सहमत नहीं हैं और आपको लगता है कि ऑनर प्ले में कुछ ऐसा है जो उसको अलग बनाता है या ज़्यादा अच्छे फ़ीचर्स हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कर दीजिए, जल्द से जल्द शेयर भी कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा ताकि आप हमारी क्वालिटी वीडियो सबसे पहले देख सकें। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए। हैव अ नाइस डे।